तो गाइस आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा जहां फ्रेंड्स आपको लावा के अंदर जाने वाले वीडियो को मैंने बनाया है। गाइस अगर आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाना है तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूस वीडियो आज देखते हो तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा ये वीडियो शेयर कर दे ताकि गाइस वो भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे सर्कल ओंडा में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पे ही दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से ग्रीन स्क्रीन को फ्रेंड्स यहाँ पे जमीन पे बिठाया हूँ और दोस्तों यहाँ पे जंप करके कुछ इस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ। आपके घर में अगर दोस्तों ग्रीन स्क्रीन नहीं है तो फ्रेंड्स आप किसी भी कलर के पर्दे को आप यूज कर सकते हैं, मतलब दोस्तों उसमें जो कलर होना चाहिए वो कलर का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपने हिसाब से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं दोस्तों काइन मास्टर का प्रो मोड यूज़ करता हूँ। आपको अगर दोस्तों इस वाले प्रो मोड को डाउनलोड करना है तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे के रखा है दोस्तों, जहाँ से गाइस आप काइन मास्टर प्रो मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आपको बीच में निफ्टी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले निफ्टी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वह है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस बारे मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से दोस्तों जो आपने मोबाइल या DSLR से वीडियो को शूट किया था उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों अपने वीडियो में फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप जहाँ पर जंप कर रहे हो दोस्तों उस जगह को आपको सर्च करना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस जगह पर जंप कर रहा हूँ, तो गाइस आपको इस जगह का एक फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए दोस्तों आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह को क्लिक करना होगा, और दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बॉक्स है इस वाले बॉक्स में फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करके यहाँ पर गाइस जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं आपका इस जगह का फ्रेंड्स आपका एक फोटो आपको गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जो ये सीजर दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले सीजर में आपको क्लिक करना होगा, और दोस्तों अपने वीडियो को कुछ इस तरह से आपको दो भागों में डिवाइड कर देना होगा। डिवाइड कर देने के बाद गाइस आपका वीडियो में अभी जहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों जहाँ पर फ्रेंड्स आप चल के कुछ इस तरह से निकल रहे हो गाइस इस सारे पार्ट को आपको कुछ इस तरह से हटा देना है। हटाने के लिए दोस्तों आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा, और दोस्तों ऊपर में सीजर का जो ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले सीजर में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पर सिलेक्शन के कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो वीडियो है वो दिखेगा देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जंप कर रहे हो यहाँ से, और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो वीडियो का है खाली बैकग्राउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो गाइस अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फ्रेंड्स इस सारे का अभी डुप्लीकेट एक बना लेना होगा कुछ इस तरह से, इसका भी एक डुप्लीकेट कुछ इस तरह से आपको बनाना है, और इसका भी आपको डुप्लीकेट कुछ इस तरह से बना लेना है। डुप्लीकेट बना लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा ये दोनों फाइल को आपको कुछ इस तरह से आप डिलीट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। डिलीट कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को आप ओपन कीजिएगा, और दोस्तों आपको यहाँ से व्हाइट कलर का या फिर अपना पसंदीदा कुछ भी कलर का आप बैकग्राउंड आप सिलेक्शन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको इसका ड्यूरेशन का दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लास्ट तक करना है कुछ इस तरह से। करने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप अभी दोनों वीडियो को दोस्तों कुछ इस तरह से इस कोना में पकड़ के इसको फुल स्क्रीन में कीजिएगा, जिस तरह दोस्तों मैं कर रहा हूँ आप भी को दोस्तों कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कीजिएगा दोनों वीडियो को। कर देने के बाद गाइस दोनों वीडियो का अभी आपको क्रोमाकी निकालना है। क्रोमाकी निकालने के लिए दोस्तों आपको सिंपल सा आपको उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं राइट साइड में आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेंगे देख सकते हैं, और इस ऑप्शन गाइस अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा। अब गाइस इस वाले क्रोमाकी में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है और फ्रेंड्स आप जिस कलर का पर्दा या फिर कुछ भी यहाँ पर जमीन पर रखे होंगे उस कलर को फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन करना है। मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपल से ग्रीन कलर रखा हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पर सिंपल से ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लेता हूँ, और दोस्तों इसको इनेबल करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर इनेबल करता हूँ दोस्तों मेरा जो पीछे का बैकग्राउंड है दोस्तों यहाँ पर दिखने लगता है। आपको गाइस इसको अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा ताकि गाइस जो आपका वीडियो है वो अच्छे से आपको यहाँ पर दिखे।
सेम प्रोसेस में आपको जो सेकंड वीडियो है दोस्तों, इसका भी फ्रेंड्स आपको कोरमाकी निकालना है कुछ इसी तरह से। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा दोनों वीडियो उसका मैंने कोरमा की कुछ इस तरह से निकाल लिया है। अब दोस्तों को क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर दोस्तों लावा इफेक्ट का मैंने वीडियो को देखे रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों वो मेरे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, इसी मीडिया में सिलेक्शन करके अपना गैलरी को आपको यहाँ से ओपन करना है। और दोस्तों आपको यहाँ से आपको लावा के इफेक्ट को आपको सिलेक्शन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा लावा इफेक्ट है उसको मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको इस वाले एरो में पकड़ के दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आपको पहले बड़ा करना है। और दोस्तों जहाँ पर आपका ग्रीन स्किन था दोस्तों या कुछ भी कलर का आप स्किन है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लेके जाना है। और दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके वो सेंड टू बैक ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपका जो वीडियो है यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके करके दोस्तों आप अगर अपना वीडियो को अगर थोड़ा सा अगर प्ले करके देखते हैं तो आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से दिखेगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड वीडियो है दोस्तों उसमें कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट तरफ आना है। आने के बाद गाइस आपको अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे के रखा है remove.bg का। आपको दोस्तों उस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करके दोस्तों आपको उस जो आप फोटो अभी कैप्चर किए हो जंप वाला उस वाले फोटो का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर PNG निकालना है। तो गाइस चलिए आप remove.bg को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा remove.bg का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपलोड इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले अपलोड इमेज में आपको क्लिक करके दोस्तों आपको अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों आपको जंपिंग वाला वीडियो को आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है वो मेरा अपलोड हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो का PNG है वो मुझको यहाँ पर मिल चुका है। वैसे आपको सिंपल सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा दोस्तों आपको, और इस वाला डाउनलोड में आपको क्लिक करके आपको अपना फोटो का भी सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, आप फिर से अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिएगा। तो गाइस चलिए अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को फिर से ओपन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर है उसको मैंने फिर से ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सेकंड वाले वीडियो में कुछ तरह को आना है। आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जो राइट साइड में लेयर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा इसी लेयर में आपको क्लिक करके जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, इसी मीडिया में सिलेक्शन करके अपना गैलरी को आपको ओपन करना होगा। और यहाँ से दोस्तों आपको जो आपने अभी अभी PNG निकाला है उस वाले PNG को आपको सिलेक्शन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले रोम पकड़ के कुछ इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में करना है। कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में करने के बाद गाइस आप क्या कीजिएगा, इसका ड्यूरेशन का दोस्तों आप जितना आप कम कर सकेगा उतना आपके लिए अच्छा है। कम कर लेने के बाद गाइस आपको अभी क्या करना है, आपको फ्रेंड जो लेफ्ट साइड में की दिख रहा होगा देख सकते हैं इस वाले की में आपको सिलेक्शन करना होगा। और दोस्तों आपको इसको कुछ इस तरह से आपको छोटा करना है, कुछ इस तरह से छोटा करके दोस्तों अभी आपको इसको पकड़ के कुछ इस तरह से आपको नीचे लेके जाना है कुछ इस तरह से, और फिर से आपको इसे छोटा कर देना है। अब अगर दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके देखते हैं फ्रेंड्स तो आपका वीडियो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखेगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वीडियो उसको मैंने प्ले कर दिया है। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके अपना फाइल को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर एंडिंग लगाते हैं।